हर एक के पेट के अंदर आपको 30-35 किलो कचरा पन्नी मिल जाएगी इनके पेट के अंदर। लेकिन ये गंदगी उरे मिल रही तो है तो अच्छा, तो फिर मैं गांव ही बढ़िया हूँ। कचरा उड़ के घर में भी जाता है, वह बीमारी से बचने के लिए यहाँ बाहर घूमने आते, वही इन बीमारियों का शिकार होता है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछा पिलानी का अंदर बात कर ले, फिलहाल 17 नंबर वार्ड में पूछा क्या हालत। ये बिल्डा पिलानी है, कहा की संस्कृति है, ये संस्कृति तो दिख रही है आप लोगों के सामने संस्कृति। यहाँ पे गटर का पानी रिताया जाता है, इतनी गंदी गंदगी और इतना कितना कीटाणु पैदा होता है यहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं है। और ये देख लो आप, जिसको हम हमारी संस्कृति बोलते हैं कि गाय माता का वंश, इसकी ये हालत है। हर एक के पेट के अंदर आपको 30-35 किलो कचरा पन्नी मिल जाएगी इनके पेट के अंदर। कोई इनकी देख रेख ही नहीं है, सिर्फ कब्जा करते हैं यहाँ पे बस, और कोई मतलब नहीं है किसी से। नहीं नहीं, बिरला का मतलब क्या होता है, दानवीर होता है बिरला, कब्जा नहीं करता वो कभी भी किसी पे। ये देख लो आप, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर इनका भला करेंगे हम तो ही हमारा भला हो पाएगा, ये इंसानों के ऊपर भार है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये संस्कृति है ना हमारी, बहुत ज्यादा है ना खराब कर चुके लोग भाई हमारे को, तो देख के ना अपने आप पे भी है ना शर्म आने लगती है, क्या बताएं। क्योंकि दिख रहे हैं भाई, ये जो भार है ये सब इंसान के ऊपर है, और आज इंसान की हालत देख लो क्या हो रही है। क्या अब ये तो बेचारे बोल के कह नहीं सकते जानवर, तो इंसान तो बोल के कह सकता है लेकिन इंसान को सिर्फ अपने से मतलब है, किसी से और से मतलब है ही नहीं। हाँ, दिक्कत तो आती है इस कचरे की वजह से, बस ये है कि थोड़ी मतलब धूल मिट्टी उड़ती रहती है इधर उधर, जैसे मतलब ये क्या बोलते हैं, ये पॉलीथिन्स वगैरह इधर उड़ती रहती है, और फिर गाय भी इधर वगैरह आती है तो वो खा लेती है, तो उनको भी प्रॉब्लम आती है। अभी जहाँ शाम के टाइम हो तो जहाँ कचरा है कि वजन तो काफ़ी प्रॉब्लम आती होगी। एनवायरमेंट पूरा ऐसे ख़राब रहता है तो उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है, जो भी प्लेयर्स हैं जो भी नॉर्मली घूमने आते हैं उन सब, हाँ तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे डस्ट भी रहते हैं और फिर पॉल्यूशन भी रहता है उस वजह से। जो युवा पीढ़ी है यो मतलब तैयारी करने के लिए बच्चा है कि आज के सर्विस के लिए, तो उनके लिए खेल को ग्राउंड है, तो बच्चा ये जाने कि भाई खेलना आवा तो कम से कम ये कचरो तो हम बाहर फेंक दें ना, तो बच्चा को दिक्कत को नहीं हुए। क्यों आए थे, एक तो बीमारी हो जाए, आज के लिए कोरोना चल रही है तो कोरोना की वजह से भी टाबरा के भाई बीमारी है ही, और मैं भी टाबरा को भेजना चाहवा, मैं भी नहीं सोचा कि बढ़िया स्वस्थ जगह होने, तो ये है कि टाबर खेल आओ दौड़ कर ली सारी चीज, घर पर वह सुविधा को मिल रही, तो मैं तो शहर में अकेले रह रहा है कि टावरा को भविष्य ने देख के। लेकिन ये गंदगी उरे मिल रही तो है तो अच्छा, तो फिर मैं गांव ही बढ़िया हूँ, तो कम से कम शहर में आने को टावरा फायदा मिलना चाहिए। हाँ जी मैम नमस्कार, मेरा नाम कैलाश चौधरी है, और अभी जगह आप ये जगह देख रहे हैं तकरीबन 50-60 साल पुराना प्लेग्राउंड है, पिलानी का सेंट्रलाइज प्लेग्राउंड है। यहाँ पे पिलानी के सभी बच्चे बूढ़े सभी वॉक वगैरह के लिए आते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं, और स्पेशली आर्मी के यहाँ पे काफ़ी बैचे चलते हैं जो लोग आर्मी वगैरह डिफेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसके बिल्कुल दीवार के साथ आप देखोगे तो ये एक डंपिंग यार्ड बना हुआ है, यहाँ पुला पिलानी का कचरा डाला जाता है। हम भी समझते हैं कि कचरा कहीं ना कहीं तो डाला जाएगा, शहर के पास ही डलता है कहीं आसपास, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो वेस्ट है, ये सिर्फ वेस्ट ये नहीं है कि पॉलीथीन डल रहा है या सिर्फ रिसाइकलेबल ये है, इसमें मेडिकल वेस्ट भी है, इसमें इक्विप जो वो होता है मेडिकल इक्विपमेंट्स का होता है, कोरोना के टाइम पे जो पीपीई यूज़ हुए हैं हॉस्पिटल्स में वो भी यहीं डाले गए हैं। तो जो हमारी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वेस्ट डलता है इसको बाइफर्केट करें, सारा सामान यहाँ ना डाला जाए, यहाँ प्लास्टिक भी डल रहा है, लोहा भी डल रहा है, ग्रीन भी डल रहा है, बाकी बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें सारी चीज़ें यहीं डल रही हैं। आप देख सकते हैं पशुओं का जमवाड़ा है पीछे, ये पशु यही वेस्ट खा रहे हैं, यही वेस्ट इनके अंदर जाता है, फिर इन पशुओं की डेथ होती है, तो इसको भी कोई नोटिसेबल नहीं है। कचरा डाल दिया जाता है सुबह से लेकर शाम तक, कम से कम 50 गाड़ियाँ आती हैं और शाम को उसी को आग लगा दी जाती है। अब वो आग लगाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, इस टाइम मौसम ऐसा है कि हवाएं चलती हैं तेज, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्रशासन से अगर इस टाइम इनको आग ना लगाई जाए। तो ये कुछ रिक्वेस्ट है, कचरा डला है तो कोई समाधान भी उसका है? इसका समाधान ये है, जैसे दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में जैसे होता है प्रॉपर डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं कि एक जगह लोकेटेड होती है, एक क्वांटिटी कितना डलेगा दिन में वो लोकेटेड है, उसको रीयूज कैसे करना है, उसको खाद कैसे बनाना है, उस पर भी बड़े बड़े शहर काम कर रहे हैं, तो वो एक हम यहाँ पे प्रॉपर कर सकते हैं। डालने की जगह ये मैं मानता हूँ उचित है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा है जगह उजाड़ है, कोई आता जाता नहीं है, लेकिन इसका मैनेजमेंट नहीं है, यही कचरा उड़ के घर में भी जाता है, तो एक चार दीवारी बना के प्रॉपर डंप किया जाए, इसको भिगो के आप इसको खाद बना सकते हैं, और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं कोरोना के पीपीई किट्स वगैरह हैं उनको अलग रखा जाए। मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ, पिछले 2-3 सालों के बीच ग्राउंड के अंदर यहाँ पे रोजाना जैसे हमारी लॉन्ग रनिंग होती है तो बाहर के इस दीवार के साथ साथ दौड़ना पड़ता है, तब भी यहाँ पे गंदगी की आवाज़ इस कारण दौड़ने, हम कहाँ दौड़ने जाएंगे,
प्रशासन से मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये कचरा अगर नियत स्थान पर डाला जाए तो ये ग्राउंड के पास है, यहाँ बूढ़े बुजुर्ग बीमार लोग जो डॉक्टर की सलाह पर बाहर ग्राउंड में घूमने आते हैं, वह बीमारी से बचने के लिए यहाँ बाहर घूमने आते हैं, वही इन बीमारियों का शिकार होता है। जैसे भाई साहब ने बताया कोरोना किट यहाँ पर डाली जाए, आपको बता रहे कोरोना महामारी पूरे विश्व में किस तरह पीड़ित कर रही है लोगों को, पर उसी कारण से यहाँ पर किट डाले जा रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं गलत है। ये कचरा हमारा ही, ये भी मानते हैं, पर ये ग्राउंड के साथ यहाँ पे जैसे राजस्थान के अंदर यहाँ पे कुछ ही जगहों पर दो नगर पालिका है, जैसे यहाँ पे विद्यावार और पिल्लानी नगर पालिका है। मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, पर मैं यहाँ पे तैयारी करने आता हूँ, पर यहाँ पे जैसे कचरा और देख के जहाँ से पेरेंट्स और आते हैं, पर ये कचरा देख के पेरेंट्स के मन में आता है कि यहाँ पे तो बीमारी होती है, यहाँ पे बुजुर्ग लोग आएंगे, आप सुबह के टाइम अगर आपके देखो तो यहाँ से 50 से 60 बुजुर्ग आते रहते हैं। ये एक तो जैसे BHS का फील्ड है, BHS का फील्ड है, ऊपर से मतलब अब कोई भी मतलब मान लो कि यहाँ पर कोई भी क्लस्टर होता है CBSE का ऑर्गेनाइज कराती है, तो बाहर से जो भी आती है, राजस्थान के बाहर की टीम भी आती है, हरियाणा की कोई भी टीम आती है, तो उनका जो इंप्रेशन पड़ता है, जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अवर लास्ट इंप्रेशन, वी ऑल नो, तो यहाँ पर जैसे वो दूसरे लोग आते हैं वो देखते हैं तो उनको मतलब क्या इंप्रेशन पड़ता है। दूसरा, अब जैसे कि यहाँ पर आर्मी वाले जितने बच्चे हैं, मैंने भी इनको देखा है, मतलब ये जब भी लॉन्ग रनिंग करते हैं, मतलब इसके चिपक चिपक के रनिंग करते हैं, तब उन्हें दिक्कत होती है सांस लेने में, हालांकि हम भी फुटबॉल खेलते हैं, हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है खेलते टाइम। हमें एक चीज़ और है, जो बड़ी सिटीज़ होती हैं जैसे बैंगलोर, दिल्ली या फिर मुंबई, यहाँ पर ड्राई और वेट वेस्ट का कंसेप्ट होता है, आप ड्राई वेस्ट को अलग कर लेते हो और वेट वेस्ट को अलग कर लेते हो। यहाँ पर जो नगर पालिका है उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ना कोई अवेयरनेस को करती हैं जाके कि ड्राई वेस्ट अलग करिए या वेट वेस्ट अलग करिए, जो भी मिलता है जैसा भी मिलता है, हार्ट ऑफ द सिटी है, मतलब ये जगह बिल्कुल बीचों बीच है शहर के। और पिलानी को तो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में नाम, वो एजुकेशनल हब है, वो फेमस है, कल को कोई बाहर से आ रहा है और ग्राउंड की तरफ भी आ रहा है या इधर से भी आ रहा है तो उसको ये पता चीजें देखने को मिलेंगी, तो उसे स्पॉइल भी होता है नेम, और ये कि हार्ट ऑफ द सिटी है तो उसकी वजह से ये लोगों की स्मोक है, ये अंदर जा ही रहा है। मैं गेम करता हूँ, मैं स्टेट प्लेयर हूँ, 4 बार स्टेट प्लेयर रह चुका हूँ, और मैं यहाँ पर रनिंग करने प्रैक्टिस करता हूँ, तो यहाँ पर सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, सांस वर्कआउट किया नहीं जा सकता है और यहाँ पर बहुत गंदगी रहती है, इस कारण से वर्कआउट अच्छा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा गंदगी डाल दे उरे, नगर पालिका डाले या जो भी डाले, पूरा जो गटर का टैंक वगैरह वे भी खाली करे उरे, उनकी वजह से कई बार तो मैं मंदिर पाऊँ बराबर, तो कई बार इतना ज़्यादा गंदो माहौल हो जाए कि बैठ पाना भी मुश्किल हो जाए, और यो कितनों हेल्थ के ऊपर, मैं थोड़ो अस्थमा की मेरे प्रॉब्लम है, तो बहुत बार कचरों जलायो रखे, तो इतना ज़्यादा जलायो रखे कि मैं सोचूँ कि हाथ के हाथ निकला। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो है लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नया हो चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।